हमने HDFC के फ्लैक्सी फंड्स का डेटा लिया है, कर दिए होते तो आज तक उनका पैसा जमा होता है 2,03,000 रुपए और उस पर जो है इनके पैसे में ग्रोथ जो है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। मुझे म्यूचुअल फंड और SIP से अब डर लग रहा है, मार्केट नीचे है इस समय, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है। देखिए 2004 के बाद से 2020 यानी आफ्टर कोविड के बाद से जब मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, रैली आना मार्केट में शुरू हुई थी, तब से किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत लोगों के सामने नहीं थी। अगर जिन लोगों ने अपना पैसा चाहे जिस कैटेगरीज के फंड्स में लगाया था तो उनके रिटर्न बने हैं, चाहे जितने बेकार रिटर्न बने लेकिन रिटर्न उनके पास आए हुए हैं। और जिन लोगों ने पहले लगाया था उनका 2020 में कुछ एक्सपीरियंस हुआ जब मार्केट नीचे आई थी। जब मार्केट नीचे आती है या ऊपर बढ़ती है तो लोगों के अंदर नॉलेज आती, जब मार्केट नीचे जाती है तो नॉलेज आती है लेकिन उनका पेशेंस जो है कम होता है, करेज कम हो जाता है। अगर 5% आपकी मार्केट में करेक्शन आता है, सेंसेक्स हो या निफ्टी किसी में भी, तो लोगों का नॉलेज जो है 10% बढ़ जाता है। 10% उनको जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी, आपको देना शुरू कर देंगे, चाहे जिस तरह के लोग हों कि हाँ अगर ये किए होते, फंड्स मैनेजर ऐसा करता है, ये होता है, लेकिन उनका पेशेंस जो है 10% कम हो जाता है, करेज साहस कम हो जाता है। और अगर 50% का करेक्शन हो जाता है तो लोगों को 100% जानकारी हो जाती, नॉलेज आ जाती है कि हमने ये गलती कर दी थी, ये गलती कर दी थी, लेकिन उनका पेशेंस यानी करेज साहस वो 0 हो जाता है। पैसा नहीं लगाएंगे, सिर्फ जानकारी ही देंगे। ये तो जो है मार्केट के विषय में बात हुई है। देखिए मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है कि अगर कोई चाहे कि हम इसको जो है स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा सेंसेक्स, हम इसको कंट्रोल कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन आप अपना रिटर्न सुरक्षित कर सकते हैं या अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन मार्केट को आप कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए जब जब मार्केट नीचे आई है, हमने जैसे बताया ना, जब मार्केट में करेक्शंस आता है लोगों की नॉलेज तो बढ़ जाती है लेकिन पेशेंस 0 हो जाता है। अगर उस समय उनके अंदर पेशेंस आ जाए, करेज आ जाए, साहस आ जाए और अपना नॉलेज 0 कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, उनके पैसे में 100% की ग्रोथ होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 15 साल का पीछे का एक डेटा लिया है। जनवरी 2008 में आपकी मार्केट पीक पे थी 17,648। जनवरी 2008 में मार्केट जब लेमन ब्रदर्स या सब प्राइम हुआ था उसके पहले 17,648 रुपये पे आपका सेंसेक्स पीक पे था, लेकिन उसके बाद ये लेमन ब्रदर्स हो या सब प्राइम हो आए तो मार्केट आपका डाउन होना शुरू हो चुका। लेकिन जो लोग उस समय ही अगर जो हाईएस्ट पीक मार्केट थी अगर अपनी SIP शुरू कर दी होते, हमने SIP का डेटा लिया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं लिया, अगले आने वाली वीडियोस में वन टाइम का भी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशंस बता देंगे कितना होता है, कब कब मार्केट नीचे आई और कब उस समय पैसा लगाए होते तो उसकी क्या वैल्यू होती आज के समय में। तो उस समय अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट किए होते 1,000 रुपये की SIP जो एकदम कंजर्वेटिव टाइप का, यानी कि जिसको कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना था, फ्लैक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए होते। फ्लैक्सी कैप, हमने HDFC के फ्लैक्सी कैप फंड्स का डेटा लिया है, कर दिए होते तो आज तक उनका पैसा जमा होता है 2,03,000 रुपये और उस पर जो है इनके पैसे में ग्रोथ जो है 16.95%, 16.95%, यानी कि नियर अबाउट 17% की ग्रोथ इनके पैसे में हो गई होती। यानी 2,03,000 रुपये की वैल्यू इनकी जो है 10,696 रुपये होती, जितना पैसा जमा हुआ उसका 5 गुना। जबकि इसमें सभी लोगों को मालूम है कि म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो TER टोटल एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स कंपनी काटती हैं, जिससे उनके रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमने अलग से माइनस कर दिया, पहले ही माइनस कर दिया। इसमें TER जो है 1.43% माइनस करने के बावजूद भी 17% एप्रॉक्स रिटर्न आ रहे हैं। तो इस तरह से जब भी अगर मार्केट नीचे हो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, सेल लग गई होती है मार्केट में, डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको पैसा माल मिलता है, आप खरीदना शुरू कर दें, आपके रिटर्न हमेशा बनेंगे। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो पसंद आया हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।